भक्तमाल का एक चरित्र है श्री कुलशेखर जी का। केरल के एक राजा हुए, वो बड़े धर्मात्मा थे। उनके घर पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था कुलशेखर। कुलशेखर को बचपन काल से ही ठाकुर जी से बड़ी अनुरक्ति थी। ज्ञानी भी थे, भावुक भी थे और बड़े बुद्धिमान भी थे। धीरे धीरे बड़े भाई श्री कुलशेखर जी, आपके पिताजी ने आपको सुयोग जाना तो राजगद्दी पर बैठा दिया और इनके पिताजी चले गए भगवान का भजन करने। देखो, बारहि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर। माता पिता के धर्म से बालक बढ़ता है, इसलिए साधु जी माता पिता को इतना सत्कर्म करना चाहिए, इतना धर्म करना चाहिए कि आपके बालक की नित्य उन्नति होवे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कुलशेखर जी के पिताजी तो वन में चले गए, आप राजगद्दी पर बैठ करके राजपाठ करने लगे। आहा, राजपाठ करते, ज्ञानी तो थे ही, राज सिंहासन में आपका मन नहीं रमता, आपका मन तो साधु सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, भगवान की कथा में बड़ा रमता। आहा, राजगद्दी एक तरफ, कोई महात्मा आ जाए सोई सत्संग सुनूं। महाराज जी आपसे, आपके चरणों में हम निवेदन करवे, साधु को सदैव भगवत भक्ति की वार्ता ही प्रिय होनी चाहिए। हाँ, जो साधु भगवत चर्चा छोड़ करके अन्याश्रित भाव की चर्चा करता है, अन्य भावों की चर्चा करता है, उस साधु को पाप, ज्यों ज्यों अन्य चर्चा करता है त्यों त्यों पाप लगता है। या तो साधु परोपकार की चर्चा करे या धर्म की चर्चा करे। तो राजा को तो सबसे ज्यादा प्रिय भगवत भक्ति थी। इनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर। भगवान श्री हरि के चरणों में इतनी प्रीति थी कि भगवान श्री हरि ने एक दिन आकर के साक्षात रात्रि में इन्हें दर्शन दिए। ये सच्ची घटना बता रहे हैं आप ठाकुर साहब। एक दिन साक्षात श्री हरि विष्णु ने इनको रात में दर्शन दिए। अब तो इनका और कायाकल्प हो गया। ये तो भगवान के गुणानुवाद चरित्रों को सुने और सुन सुन करके गोविंद के गीत गावे। अब तो राजपाट धरा रह गया। पर मंत्री और कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। मंत्रियों ने सोचा कि ऐसे तो राजा सब बर्बाद कर देंगे, तो कुठाराघात मंत्री करने लगे, चोरी होने लगी। राजा ने कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा बड़े प्रेम से रामायण जी का प्रसंग सुन रहे थे। रामायण जी का प्रसंग, वाल्मीकि रामायण की कथा इनके राजभवन में हो रही थी। एक महात्मा राम जी की कथा सुना रहे थे और उन्होंने कथा में सुनाया कि राम जी खरदूषण के मारने के लिए स्वयं अकेले गए। इन्होंने क्या सुना कथा में? कि राम जी खरदूषण का वध करने के लिए ना लक्ष्मण जी को ले गए, ना जानकी जी को ले गए, अकेले ही वध करने गए। उस समय राम जी के साथ कोई नहीं है। वाल्मीकि का श्लोक आया, चतुर्दश सहस्त्राणि रक्षसां भीम कर्मणा, कर्मणां एकश्च राम धर्मात्मा, कथम युद्धो भविष्यति। पहाड़ी लगाई। साधु जी आपका श्लोक कहता है वाल्मीकि रामायण का कि भगवान धर्मात्मा श्री राम 14,000 राक्षसों से युद्ध करने के लिए अकेले चल दिए। अब श्लोक कहता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। महाराज कुलशेखर जी ने सुना कि अकेले राम जी जा रहे 14,000 राक्षसों से लड़ने के लिए। सोई कुलशेखर जी ने शंख उठाया और जोर से शंख फूंका
जितनी सेना थी सब दौड़ी चली आई। सेना को बुला करके कहा कि चलो सब तैयार हो, राम जी अकेले खरदूषण को लड़ने जा रहे हैं, चलो हम भी चल करके राम जी की सहायता करवे। आहा, मानो इन्हें लग रहा हो कि हम जो है सजीवन राम चर्चा सुन रहे, देख रहे हैं। इन्हें ये नहीं लगा कि हम कथा सुन रहे, इन्हें लगा कि राम जी युद्ध करने खरदूषण के साथ पास जा रहे। चतुर्दश सहस्त्राणी रक्षसाम भीम कर्मणाम, एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। एक धर्मात्मा अकेले राम 14,000 राक्षसों का वध करने जा रहे। सोई राजा के अंदर चेतना जाग गई, पूरी सेना आ गई। अब सेना पूछे कि जाना कहाँ है, ये बोले चलो खरदूषण को मारने जाना है। सेना बोली पागल हो गए क्या, खरदूषण तो कब का मारा गया। तब तक पंडित जी से कहा कि जल्दी से खरदूषण का वध करो रामायण में ही, वरना ये ना जाने किसको ठुकवा देंगे। हाँ, वध करो खरदूषण का। पंडित जी ने जल्दी जल्दी श्लोकों को बढ़ा और श्लोक में कह दिया कि एक धर्मात्मा अकेले राम ने खरदूषण का वध कर दिया। ओहो, सोई राजा बोले बस शांत हो जाओ, अब नहीं जाना है, राम जी ने वध कर दिया। सेनापति ने सोचा कि ये राजा तो पगले आ गया, रामायण देखता है कई दिन बाद, वो तो कुशल है, रावण मारने नहीं ले चले, बना ये राजा तो डिस्टर्ब है मेंटली, ये रावण को मारने ले जाता ना जाने किसके बाण लगवा देता। और एक सेनापति तो बोला मेरे लक्षण रावण जैसे मिलते हैं। एक सैनिक बोला मेरा शरीर भी रावण जैसा है मोटा, मुझे तो नौकरी बंद करनी। बोले क्यों, बोले शायद कल के दिन ये कह दे तू मंच पर खड़ा हो मैं राम तू रावण, और तप गए दोनों। लेकिन धन्य है लीला का अनुकरण करने वाले श्री कुलशेखर जी, आप जो है जैसी आपकी आंखें खुली कि राम जी ने खरदूषण का वध कर दिया, सोई आप महाराज जी वापस आ गए, खूब भजन करने लगे। एक दिन राजाओं ने इन महात्माओं को आसपास देखा, देखो ठाकुर जी से प्रेम तो महात्माओं से होता है, गुरुओं से होता है। ठाकुर जी से प्रेम कौन कौन करना चाहता है जरा बताओ ना, दोनों हाथ उठा के। पीछे वाले तो हमें लगा पूरी लो चाहिए खावे भरा उतागी के लगे, हरो बुढ़ापे में सुधर हो का। हम सच बात बता रहे, आज 4 दिन हो गए कथा के, 3 दिन और बचे, अबे ना सुधरे तो तुमने सुधरवे वारे नहीं। जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम करना हो तो वो संतों का संग करना प्रारंभ कर दें। मीराबाई को कैसे प्रेम हुआ, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई। मीरा को कैसे प्रीति लगी, रंगी मोहन के रंग वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा भाई तो गली गली गोविंद के गुणान बाद गाती साधु जी। आह, ऐसे कुलशेखर जी को ठाकुर जी की भक्ति इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि इनका मन संतों में रमा था। महाराज जी एक बार जगन्नाथपुरी में नरसिंह लीला हुई, नरसिंह लीला। अब नरसिंह लीला भाई तो जो नरसिंह बने हुए थे उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वास्तविक में उद्धार कर दिया। हाँ, नरसिंह बने थे उनने लो सो सच में हकीकत में थी लीला, पर उनने सही में फाड़ दो। हाँ, अब फाड़ दो सो फाड़ दो, रपोटा रपाटी भाई FIR भाई। बोले इन्हें तो नरसिंह या ताप, नरसिंह भगवान ने तो इन्हें हिरण्यकश्यपु ताप ही दो। अब उके बाल बच्चे बड़े रोवे, नरसिंह के जब ऊपर से नरसिंह उतरे तब इन्हें ध्यान आई कि हमने तो एक आदमी है ताप दो, अब करें क्या। अब बड़े टेंशन में, बड़े हैरान, सबने कहा कि साधु भाव है साधु भाव है। बोले काय में साधु भाव, इन्होंने अपनी दुश्मनी होगी कोई उससे वो निकाल ली, मार दिया बेचारे को।
कहां से इन्हें नरसिंह बना दिया। लीला करवाने वाले भी छक गए। एक महात्मा ने कहा नहीं, इसका उपाय है। बोले क्या? बोले नरसिंह बनाकर उनसे पूछा क्यों भाई? बोले हमें तो ध्यान नहीं है, हमें तो लगा हम नरसिंह है, ये हिरण्यकश्यप है, सो हमने ताप दो। लेकिन महात्मा तो महात्मा होते, उन्हीं महात्मा ने इनको दशरथ जी बना दिया। बोले अगर इनका भाव है तब इन्हें दशरथ बनाकर देखो। और दशरथ बनाया और जहां राम जी बन गमन भय और सोई दशरथ जी की वो चौपाई आती है, दोहा आता है, राम राम कह राम कही, राम राम कह राम। छह बार महाराज दशरथ जी राम राम कह करके रावण गए सुरधाम। अपने प्राणों को दशरथ जी ने त्याग दिया और जहां इनके कानों में इतना पड़ा सोई इन्होंने भी अपने प्राण श्री राघव जी के चरणों में त्याग दिए। लीला बड़ी महत्वपूर्ण है, ये है साफ कथा सुनना। इसे क्या कहते हैं? कथा कैसे सुने? कथा ऐसे सुनो कि कथा तुम्हारे चित्त में ना बैठे। ना कई लोग कहते वाह 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 गड़ा वाले महाराज ते ऐसी कथा सुनाओ कि चित्त में बैठ जा। भैया भीतर घुस जा। कथा तुम्हें समझ में आ गई कोई मतलब नहीं, कथा तुम्हारे भीतर बैठ गई कोई मतलब नहीं। मतलब तो तब है जब तुम ही कथा में आकर के बैठ जाओ। कथा तुम्हारे अंदर बैठे कोई बड़ी बात नहीं, कथा में तुम आकर बैठ जाओ तब बड़ी बात है। हम यहाँ से गीत गावे और तुम समझो कि ये हमारे लिए ही गीत है, हम यहाँ से कोई पात्र बतावे और तुम समझो कि ये पात्र हमारा ही है। जहाँ तुम भगवान गोविंद की लीला में अपने को कहीं गोपाल समझने लगो, कहीं गैया समझने लगो, कहीं गोपी समझने लगो और कहीं पर रास बिहारी रासेश्वर सरकार का सेवादार समझने लगो, तब समझना हमें कथा सिद्ध हो गई है। कथा तो तब है, वरना तो अब जय जय सीताराम है। साधु जी ऐसा है जीवन, जीवन जीने की कला हमने आपको बताई।